हाय गाइस, नमस्ते किम चोन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ माय विंटर हेयर केयर रूटीन शेयर करने वाली हूँ, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए वीडियो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम DIY ऑयल बनाने वाले हैं, तो उसके लिए आपको चाहिए कोकोनट। और इसको फोड़ कर, इसे अच्छे से निकाल कर, इसे अच्छे से 2-3 पानी से वॉश करना है। और इसे हम छोटा छोटा कट कर लेंगे इस तरह से। और ध्यान रखिए कि कट करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ हमारा जो ऑयल है वो नहीं बनेगा अच्छी तरह से। उसके बाद आपको इसे ग्राइंड करना है, यानी कि पीसना है। थोड़ा सा पीसे, उसके बाद इसमें पानी ऐड करके फिर से पीस लीजिए। और आप देख सकते हैं इस तरीके से बारीक सा हो जाएगा, तो समझ लीजिए कि ये रेडी हो चुका है। एंड देन उसके बाद आप मिल्क को स्ट्रेनर की हेल्प से अलग कर देना है, या फिर आप एक कॉटन का अच्छा सा कपड़ा ले लीजिए और इसकी हेल्प से भी इसका अलग कर सकते हैं। ये सेकेंड वाला जो मेथड है ना, वो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, इजीली और अच्छे से निकल जाएगा। तो सेकेंड वाली मेथड भी आप ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक बर्तन लेना है, और उसके बाद इसे एक बर्तन में निकाल लीजिए, और इसे हमें गर्म करना है धीमी आँच पे। और एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि इसे आपको हिलाते रहना है। आपको पता होगा कि जैसे हम घी बनाते हैं ना, उसी तरीके से ये प्रोसेस हमें करनी है। तो जैसे जैसे ये गर्म होता जाएगा, वैसे वैसे ये इस तरीके का थिक होता जाएगा। एंड देन ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा। आप देख सकते हैं हमारा जो ऑयल है वो साइड पे निकल रहा है और दिख रहा है आपको। और गाइस, ये प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगेगा, बट जब आप आपका DIY ऑयल बना के रेडी करोगे ना, तो आपको जितनी खुशी होगी ना कि आप सोच नहीं सकते, सच में गाइस। तो जब ये ठंडा हो जाए ना, उसके बाद आप इसे कंटेनर में इस तरीके से निकाल लीजिए। कांच के कंटेनर में निकालिए, काफ़ी अच्छा रहेगा। और विंटर के कारण ये थोड़ा थिक सा लग रहा है, बट इट्स ओके। हम इसे अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे, तो आपको पता ही है कि अप्लाई करने से पहले आपको बालों से सारे टेंगल्स को रिमूव करना है, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में बताया है कि ऑलवेज़ टेंगल्स को रिमूव करिए, इसके बाद ही आप ऑयल को अप्लाई करें, ताकि आपके बाल जो है वो ज़्यादा टूटे नहीं। और ऑयल अप्लाई करने के बाद आपको टेंगल रिमूव नहीं करना है। तो एक बर्तन में हम ऑयल को निकाल लेंगे और हम इसे अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। और गाइस, आप इसे विंटर सीजन के लिए आप इसे पूरी बॉडी पे भी अप्लाई कर सकते हो। आपकी पूरी बॉडी ग्लोइंग एंड मॉइस्चराइज रहेगी, और आपको बार बार अप्लाई करने की भी इसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको मसाज के प्रोसेस भी पता है कि कैसे मसाज करना है। और हाँ गाइस, विंटर सीजन में अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो रही है और आपके हेयर फॉल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, या फिर आपके बालों के जो एंड्स हैं वो ड्राई हो चुके हैं, सारी चीज़ों के लिए ये जो ऑयल है वो बहुत ही मदद करने वाला है। और जब भी आप पूरे बालों में ऑयल को अप्लाई कर लो ना, तो उसके बाद आप बालों को इस तरीके से उल्टे कर लो और 5-10 मिनट मसाज करो। इससे क्या होगा कि आपका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा और ऑयल का बेनिफिट आपके बालों में अच्छे से मिल पाएगा। और सोने से पहले आपको ऐसा बर्न बना लेना है, और उसके बाद आपको सोना है, जिससे क्या होगा कि आपके बाल है ना वो सिक्योर रहेंगे। और आप इसे 1 घंटे के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, या ओवरनाइट अप्लाई करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जब भी आप सो ना, तो उससे पहले कॉटन की चीज़ इस तरीके से लगा लो आपके तकिए पे, ताकि वो गंदा ना हो। ओके गाइस, सुबह मिलते हैं। ओके तो गाइस, अब मैं आपको कुछ योगा दिखाने वाली हूँ बालों के लिए, ठीक है? तो चलिए देख लेते हैं। ओके, तो अब हम करेंगे हेयर वॉश। तो हेयर वॉश करने से पहले 2-3 मिनट आप बालों में मसाज करें, उसके बाद आप हेयर को वॉश कर लीजिए। और पेशर रिंकल पारिक का जादू। तो दोस्तों, हेयर वॉश करने के बाद आपके जो हेयर है वो आपको इतने स्मूथ, सिल्की, मैनेजेबल लगेंगे, जस्ट वाओ गाइस। एक ही यूज़ में आपको इसका फ़र्क दिखाई देगा,
और आपको पता ही है कि मैंने बालों में कलर करवाया है, तो मैं ये वाला जो शैम्पू है वो यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आपके पसंद का कोई भी शैम्पू यूज़ कर सकते हो। और मैंने DIY शैम्पू किस तरीके से बनाना है उसका भी वीडियो आपके साथ शेयर किया है, तो उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप ज़रूर चेक कर लेना। और हेयर सीरम के लिए मैं लॉरियल पेरिस का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑयल सीरम यूज़ करती हूँ, जो बालों को सिल्की बनाता है और काफ़ी अफोर्डेबल है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो गाइज़ ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक कर देना। मिलते हैं बहुत ही जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।